दोस्तों नमस्कार। राजस्थान मौसम विभाग की ताज़ा खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत के दक्षिणी हिस्सों में तौकते तूफान ने काफ़ी तबाही मचा रखी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शुक्रवार को कहा था कि अरब सागर में दबाव 17 मई को बहुत भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और एक दिन बाद गुजरात तट को पार कर सकता है। मौसम का मिजाज डीप डिप्रेशन में बदल गया है। इसके शनिवार की सुबह तक चक्रवाती तूफान तौकते की ओर तेज होने की संभावना है और शनिवार की रात तक इसके और भीषण चक्रवाती तूफ में बदलने की संभावना है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने अरब सागर में विकसित हो रहे चक्रवात तौकते के संभावित प्रभावों से निपटने के लिए 53 टीमों की नियुक्ति किया है। भले ही अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बारिश और उबड़ खाबड़ समुद्र ने लोगों की अगणित मुश्किलें कर दी हैं। जो पहले से ही कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, उबड़ खाबड़ समुद्र के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों की राजधानी कोल्लम, अलापा, एर्नाकुलम, त्रिशूल, मल्लुपुरम, कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड के तटीय इलाके शामिल हैं। शुक्रवार की रात से तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण भारी संख्या में पेड़ उखड़ गए हैं और लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। कई जगहों पर शनिवार को आपूर्ति बहाल कर दी गई है, जबकि कुछ जगहों पर आपूर्ति बहाल की जा अरब सागर में लक्षद्वीप के ऊपर बने गहरे अवसाद के परिणाम, जो पिछले 6 घंटे के दौरान उत्तर की ओर बढ़ते हुए द्वीप समूह और उससे सटे दक्षिण पूर्वी पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती तूफान तौकता में बदल गया, जिससे तटीय क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तौकता के अगले 24 घंटे के दौरान एक भीषण चक्रवाती तूफान में और तेज होने की संभावना है और उसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की 18 मई की सुबह तक गुजरात तट के पास पहुंचने की संभावना है। तूफान को तौकते नाम म्यांमार ने दिया है, जिसका मतलब है छिपकली। इस साल भारतीय तट पर यह पहला चक्रवाती तूफान होगा। इधर केरल के भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, यहां कई जिलों में भारी नुकसान की खबर है। साइक्लोन तौकते को लेकर केरल के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। केरल में शनिवार को मूसलाधार बारिश होने और तेज हवाओं के चलने से सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली आपूर्ति घंटों तक बाधित रही। समुद्र में ऊंची लहरें उठने से तटीय इलाकों में जनजीवन बाधित हो गया। मौसम विज्ञान विभाग IMD से मिली ताज़ा खबरों के अनुसार 5 जिलों में भारी बारिश की आशंका के साथ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि 5 जिलों में और दोस्तों इसी के साथ 2 स्थानों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बारिश की संभावना बताई गई है। धीरे धीरे यह तूफान दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव आगामी कुछ ही दिनों में राजस्थान के पूर्ववर्ती जिलों में आपको देखने को मिल सकता है, जिसके कारण राजस्थान के पूर्ववर्ती जिले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, जयपुर समेत दोस्तों चित्तौड़गढ़ में आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही दोस्तों कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान पर तौकते का कुछ प्रभाव पड़ने वाला है या नहीं। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान के जिलों की, तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में तौकते तूफान का असर कम देखने को मिलेगा। यह तूफान पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर जिलों को प्रभावित नहीं करेगा। कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम बिल्कुल सुहावना रहने का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ स्थानों पर गहरे काले बादल छा सकते हैं। कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में इससे मूसलाधार बारिश की आशंका नहीं की जा सकती है। बात कर लेते हैं दोस्तों पूर्वी राजस्थान के जिलों की, तो पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में आगामी 24 से 48 घंटों में आपको ताबड़तोड़ बारिश देखने को मिल सकती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और बाड़मेर जिले की बात करें, जैसलमेर, जोधपुर, इन सब में मौसम आगामी 24 से 48 घंटों में कुछ स्थानों पर गहरे काले बादल छाए रहने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही दोस्तों कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की आशंका जताई जा रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं
सीकर, जयपुर और दोस्तों अलवर, भरतपुर, इन जिलों में आपको कुछ स्थानों पर ताबड़तोड़ बारिश अवश्य देखने को मिल सकती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इन जिलों की बात करें तो यहां पर भी आपको अच्छी खासी बारिश देखने को अवश्य मिल सकती है। यहां पर भी दोस्तों तेज हवाओं के साथ साइक्लोन तौकते का असर आपको अवश्य देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हम ले चलते हैं आपको IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ऑफिशियल साइट है, जहां से हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रूफ के साथ प्रोवाइड करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, आप इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग की ऑफिशियल साइट है, जहाँ से हम आपको संपूर्ण न्यूज प्रोवाइड करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको प्रत्येक सब डिवीजन वाइज बताएंगे किस डिवीजन में किस प्रकार की बारिश की आशंका जताई जा रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों 16 मई 2021 के मौसम पूर्वानुमान की। तो दोस्तों यहां पर राजस्थान की अगर हम बात करें तो संपूर्ण राजस्थान समेत यहां पर गुजरात और दोस्तों मध्य प्रदेश को येलो अलर्ट में दर्शाया गया है, यानी कि आगामी 24 से 48 घंटों में राजस्थान के ज़्यादातर ज़िलों में आपको काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे दोस्तों ये तौकते तूफान, ये देखिए दोस्तों यहाँ दक्षिणी भारत से धीरे धीरे राजस्थान की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसका यही संदेश है कि आगामी कुछ ही दिनों में राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 17 मई 2021 के मौसम पूर्वानुमान की। तो यहाँ पर भी देखिए संपूर्ण राजस्थान सहित अब दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात को यहाँ पर येलो अलर्ट में रखा गया है, यानी कि दोस्तों इसी के साथ पंजाब, हरियाणा को भी इसमें येलो अलर्ट में रखा गया है। इसका संदेश यही है कि आगामी 24 से 48 घंटों में राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश देखने